अगर हम ट्राइबल पीपल को डिस्टिंग्विश करते हैं ये बोल के कि वो साइज में कम है या वो आइसोलेट होके रहते हैं या वो रिलीजन को फॉलो नहीं करते किसी, या उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अलग है, तो ये गलत होगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी ट्राइब्स हैं जिनका जो साइज में बहुत ज़्यादा, जैसे कि संथाल, गोंड्स और भील्स, और अभी आइसोलेट होके भी नहीं रहती, कुछ कुछ रिलीजन को भी फॉलो करती हैं, और ये मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी इनका ऑलमोस्ट सिमिलर है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ। इन बेसिस पे उनको डिस्टिंग्विश करना इज़ नॉट अ राइट वे। एंड अगर हम देखें कि अगर एक ट्राइब को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंडल्ज होना है तो वो कैसे होगी, उस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, संस्कृताइजेशन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी था। अब वो संस्कृताइजेशन के थ्रू शूद्र फोल्ड में ही आ सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि चार वर्णस होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये फोर फोल्ड डिवीजन होते हैं सोसाइटी में। तो इसमें से अगर ट्राइब्स को मेन सोसाइटी में आना तो वो शूद्रस में ही आएंगे। अब इसको कुछ स्कॉलर्स एक्सप्लॉयटेटिव बोलते हैं कि ये एक्सप्लॉयटेटिव है नेचर। अब देखते हैं कि आगे कुछ चीज़ें देखेंगे कि जैसे कि विद टाइम क्या हुआ कि ट्राइबल लोगों ने खुद को ही ऐसे अलग से ट्राइबलिज्म की आइडियोलॉजी देके बोल दिया कि हम लोग अलग हैं, ताकि वो खुद को दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर पाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी में बहुत सारे इशूज थे, जैसे कि उनको कास्ट सिस्टम फेस करना पड़ता, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता, तो उन्होंने खुद से ही बोल दिया, अपनी आइडियोलॉजी निकाल दी कि ट्राइबलिज्म की आइडियोलॉजी कि हम ट्राइबल लोग हैं और हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी से डिफरेंट हैं। और बट ऐसा नहीं है कि जो ट्राइबल लोग हैं ये हमेशा से ओप्रेस्ड ही थे। हमने कुछ ऐसे किंगडम्स पे देखे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें गोंड किंगडम्स देखे सेंट्रल इंडिया में, जैसे कि गरहा मंडला या चांडा, जो कि अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़े किंगडम्स थे और फेमस किंगडम्स थे। अब हम देखते हैं मेन स्ट्रीम एटीट्यूड टूवर्ड्स ट्राइब। इसमें क्या होता है कि जो ट्राइब है उनको अपनी लैंड को लूज करना पड़ता है, और जब उनके एरिया में उनकी जगह पे नॉन ट्राइबल माइग्रेंट सेटलर्स आ जाते हैं और उनका जो फॉरेस्ट का जो उनको एक्सेस मिलता था वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नई नई जैसे पॉलिसीज आती जा रही हैं वो एक्सेस लूज कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट तो हो रहा है बट एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल। आगे जो हमारे इंटीग्रेशनिस्ट थे उनका कहना था कि जो ट्राइबल पीपल हैं ये बस ये भी हिंदूज हैं पर ये थोड़े से बैकवर्ड हिंदूज हैं, सो इनकी प्रॉब्लम्स को भी कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, जैसे कि हम बाकी बैकवर्ड क्लासेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देन हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्लान्स लाए गए, जैसे कि 5 ईयर प्लान में भी इनके बारे में बहुत चीज़ें मेंशन की गई कि इनकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। देन ट्राइबल सब प्लान्स, ट्राइबल वेलफेयर ब्लॉक्स, ये सब में कहाँ पर ट्राइबल लोगों के डेवलपमेंट की बात की गई। और अगर इनका इंटीग्रेशन मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कैसे हुआ था, बोलते हैं इंटीग्रेशन हैज़ बीन ऑन टर्म्स ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी एंड फॉर इट्स ऑन बेनिफिट, कि अगर ट्राइबल लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाया भी जा रहा तो प्रॉफिट किसका हो रहा है, तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का ही प्रॉफिट होगा, इसी का बेनिफिट होगा, जबकि जो ट्राइबल लोग हैं उनको अपनी लैंड फॉरेस्ट उनसे ले लिया जाएगा डेवलपमेंट के नाम पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी के अंदर नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, लाल डैम्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, माइंस बनाते हैं, और जो ट्राइबल लोग वो ज़्यादा रहते ही उसी एरियाज में जो मिनरल रिच हो और जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट हो। तो अब ये नेशनल डेवलपमेंट के नाम पे मेन स्ट्रीम सोसाइटी को तो बेनिफिट हो रहा है, बट व्हाट अबाउट द ट्राइबल पॉपुलेशन, इनका तो लॉस ही है ना। देन देखते जो लॉस ऑफ फॉरेस्ट है ये ब्रिटिश टाइम पे शुरू हुआ था, पर उसके बाद भी ये ट्रेंड चलता रहा कि फॉरेस्ट को काट काट के डेवलपमेंट की जा रही है मेन स्ट्रीम सोसाइटी की, बट ट्राइबल लोगों को इस चीज़ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आगे हम देखते हैं कि जो नॉन ट्राइबल लोग माइग्रेट कर जाते हैं उनके रीजन्स में, क्योंकि वहाँ पे किसी टाइप की डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो इससे क्या होता है उनके कल्चर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, उनको लगता है कि उनका कल्चर कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड हो रहा है। जैसे कि हम बात करें दिस थ्रेटन टू डिस्टर्ब एंड ओवरवेलम ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देयर कल्चर बिसाइड एक्सलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स, कि उनका एक्सप्लॉयटेशन तो होता है पर उनके कल्चर पे भी कहीं देखिए उनको लगता है कि मार्जिनलाइज हो रहा है उनका कल्चर।
अगर जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ झारखंड, यहाँ पे क्या हो कि बहुत सारे इनका कल्चर जो है वो डाइल्यूट हो गया है। और अगर हम त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा हैड द ट्राइबल शेयर ऑफ इट्स पॉपुलेशन हाफ विद इन अ सिंगल डेकेड, कि एक 10 साल के अंदर अंदर त्रिपुरा में जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन थी उसका हाफ हो गया है। और सिमिलर सिमिलर कंडीशंस देखी गई हैं अरुणाचल प्रदेश में भी। आगे हम देखते हैं ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो हम डेवलपमेंट करते हैं ट्राइबलों का, इसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। जैसे कि अगर हम स्टेट्स की बात करें तो ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड और छत्तीसगढ़ के एरिया में बहुत रहती है, सो इनको एक स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। पर इनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे कि मणिपुर और नागालैंड जैसे स्टेट्स में जो सिटीजन्स हैं उनके सिविल लिबर्टीज को लिमिट कर दिया ये बोल के कि ये डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं। और जैसे कि हम बात करें रिजर्वेशन दी जाती है एससी और एसटी को, तो इसमें जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं इनको भी जब रिजर्वेशन दी जाती है तो ये बेसिकली ये भी प्रोफेशनल क्लास में मर्ज हो रहे हैं, इनकी भी एक प्रोफेशनल क्लास आगे आ रही है जो दो इश्यूज को एड्रेस कर रही है। पहला इशू इनका ये आ रहा है कि जो इनकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड फॉरेस्ट ये उनसे लिए जा रहे हैं, और कहीं ना इससे ट्राइबल लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और अब सेकंड वो बात करते हैं उनकी कल्चरल आइडेंटिटी की, क्योंकि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी भी क्या हो रही है, लूज हो रही है। आगे हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज फैमिली एंड किनशिप। सो अब फैमिलीज जो है पुराने ज़माने में सिर्फ एक ही टाइप होता था, दैट इज जॉइंट सिस्टम, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जनरेशन के लोग साथ में रहते थे। बट विद टाइम जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे अलग अलग टाइप्स की फैमिली आती गई। जैसे कि हम बात करते हैं कि फैमिली कैसे हो सकती है, या तो न्यूक्लियर होगी या तो एक्सटेंडेड होगी। और अगर एक फैमिली को मेल हेड कर रहा है तो वो पैट्रिलिनियर होगी, अगर फीमेल हेड कर रही है तो वो मैट्रिलिनियर होगी। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि वॉर वाली सिचुएशन आती है या इंडस्ट्रीज अगर सेटअप हो रही है बाहर किसी अर्बन एरिया में तो लोग माइग्रेट करते हैं, तो जब वो माइग्रेट करते हैं तो वो अपने पूरे दो तीन जनरेशन की पूरी जॉइंट फैमिली को साथ में लेके नहीं जाते। जैसे कि आदमी है ये माइग्रेट कर रहा है सिटी में, तो ये पूरी अपनी से पूरी जॉइंट फैमिली को साथ लेके नहीं जा सकता, तो ये अपनी एक छोटी सी फैमिली खुद जाता है, अपनी वाइफ को लेके जाता है, अगर एक दो बच्चा है उसको लेके जाता है, तो ये लोग वहाँ पे सेटअप हो जाते हैं। तो ये जो फैमिली वहाँ पे अलग होके रह रही है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, गॉट इट। और जो साथ में रहती है इसको बोलते हैं जॉइंट या एक्सटेंडेड फैमिली। अब ये बोलते हैं इट इज एविडेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस नॉट ओनली फैमिली स्ट्रक्चर चेंज बट कल्चरल आइडियाज नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑल्सो चेंज। दिस चेंजेस आर हाउ एवर नॉट सो ईजी टू ब्रिंग अबाउट, बोथ हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी टाइम्स सजेस्ट दैट ऑफन चेंज इन फैमिली एंड मैरिज नॉर्म्स आर रेजिस्टेंट वायलेंटली। बेसिकली ये बोलते हैं कि कोई भी चेंज आता है स्पेशल अगर हम बात करें फैमिली और मैरिज में, तो उसको बहुत वायलेंटली रेजिस्ट किया जाता है, तो उसको टाइम लगता है लोगों को उसके साथ नॉर्मलाइज होने में। तो हमने जैसे देखा न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिली हमने पहले ही पढ़ लिया, कि अगर एक न्यूक्लियर फैमिली की बात करें उसमें वन सेट ऑफ पेरेंट्स होता है और उनके बच्चे होते हैं, डैट्स इट। बट अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं इसमें एक से ज़्यादा कपल होते हैं और ज़्यादातर क्या होता है दो जनरेशन से ज़्यादा लोग एक साथ रह रहे होते हैं। अब हम फर्दर देखते हैं कि और भी बहुत सारे टाइप्स की फैमिली है उनको देखते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस दो टाइप्स की फैमिली होती है, मैट्री लोकल एंड पैट्री लोकल। तो अगर शादी के बाद जो ये कपल है ये मैटरनल साइड की फैमिली में, मतलब ये लड़की की सॉरी लड़की के फैमिली की साइड साथ रहना शुरू कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं मैट्री लोकल फैमिली। बट अगर हम इंडिया में देखें तो हमारी इंडिया में कैसी फैमिलीज होती हैं, पैट्री लोकल, क्योंकि अगर एक लड़का और लड़की की शादी होगी तो जो लड़की है लड़की लड़के के फैमिली में जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पैट्री लोकल। हाउ एवर अगर लड़का लड़की के फैमिली में जाए रहने और वहाँ पे ही रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्री लोकल। ऑन द सेम वे अगर हम इनहेरिटेंस का देखें, जैसे कि ये आदमी है और ये औरत है, अगर जायदाद किसके नाम पे है, इसके नाम पे है, और आगे इनका एक सन है और एक डॉटर है, तो अब भी ये आगे इनहेरिट जो जायदाद को वो कौन करेगी, इनकी डॉटर ना कि इनका सन। तो इस टाइप के फैमिलीज को क्या बोलते हैं, मैट्रिलिनियर। हाउएवर अगर हम इंडिया की बात करते हैं यहाँ पे भी तो
जो इनहेरिटेंस के बेसिस पे भी पैट्रिलिनियर फैमिलीज है, पैट्रिलिनियर सोसाइटीज हैं, कि अगर इनहेरिटेंस पहले तो जो मेल सदस्य होगा उसके नाम पे होगी, देन फर्दर वो नेक्स्ट जनरेशन में बेटे को पास ऑन होगी। हाउएवर अब तो वो बेटी को भी पास ऑन होती है, बट हाँ जब हम बात करें ग्राउंड लेवल पे भी रूरल एरियाज में सिर्फ बेटी को ट्रांसफर होती है। तो जब ये जायदाद अगर फीमेल मेंबर के पास है भी, अगर इनहेरिटेंस के बेसिस पे इनको ही दी जा रही है, स्टिल जो उसके ऊपर कंट्रोल रहता था वो मेल लोगों का ही रहता था। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।